Hello aspirants, I am Shreyas Bhad. Welcome to Maharashtra IAS Academy. Today we are going to launch the first video of UPSC Civil Services Examination Current Affairs Preparation Series. आज हम UPSC Civil Services Examination के Current Affairs Preparation Series का पहला वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है How to Read the Hindu Part 1. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू न्यूज़पेपर हमें कैसे पढ़ना है, कौन सी बातें हमें यहाँ पर फोकस करनी है, कौन सी बातें हमें छोड़ देनी है, किस तरह से कंटेंट को पिक करना है और नोट डाउन करना है. तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. सो आई एम श्रेयस बाड़, फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ महाराष्ट्र आईएएस अकेडमी. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कैड कैम. I have 5 years of experience of UPSC coaching and 7 years of total teaching experience. तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब भी करंट अफेयर्स की बात आती है UPSC के कंसर्न में, तो हिंदू का ही नाम सबसे पहले क्यों आता है. सो why देर इज सो मच बज अबाउट द हिंदू. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला रीजन है इट इज अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Then it has a high quality content. उसके अंदर आने वाले articles which really creates our perspective and our thought process. It boosts our confidence to face pre-examination as well as mains examination. And it has a lot of fodder material. तो fodder का मतलब यहाँ पर वो content है जिसकी ज़रूरत हमें pre और mains में बहुत ज़्यादा होती है. So it can be about essay writing or optional और GS papers in the mains examination. उसका जो content preparation है वो हिंदू से ही होता है. तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से हिंदू हमेशा सबसे top priority रहता है. आगे हम बात करते हैं कि हिंदू पढ़ने के लिए क्या क्या prerequisites होने चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि we should be well aware of the main syllabus. UPSC mains का syllabus हमें वर्ड बाय वर्ड पता होना चाहिए, तभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पिक कर सकते हैं और जो चीज़ें थोड़ी सी इरेलेवेंट हैं उन्हें हम छोड़ सकते हैं. मतलब कि अगर हिंदू अगर आपको इफ़िशियंटली पढ़ना है तो मेंस का सिलेबस अच्छे से याद होना ही चाहिए. सेकंड चीज़ है वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश का हमें बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए बिकॉज हिंदू इज़ अ इंग्लिश न्यूज़पेपर. यहाँ पर आपको डिटेल्ड नॉलेज या फिर काफ़ी हाई लेवल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए. विद टाइम, विद योर एनर्जी, विद योर एफर्ट्स, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है व्हेन यू रीड द हिंदू. थर्ड थिंग इज डिटर्मिनेशन टू फोकस ऑन अ न्यूज़पेपर लाइक अ बुक, बिकॉज हो सकता है कि वो शुरुआत में 3 घंटे से भी ज़्यादा लग जाए, क्योंकि हिंदू एक बहुत बड़ा पेपर होता है जिसके अंदर 17, 18 और 20 पेजेस भी होते हैं कभी कभी. तो इतना बड़ा न्यूज़पेपर कवर करने के लिए आपको शुरुआती दिनों में 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है. तो आपके पास ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप पेपर नहीं एक बुक पढ़ रहे हैं. और चौथी चीज़ है डिसिप्लिन, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ हो नहीं पाएगा, राइट. तो आगे हम बात करते हैं कि हिंदू प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है. How is it important for pre? इसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है जो UPSC 2019 के प्री में आ चुका है. क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस. दूसरा है इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. तीसरा है AIIB does not have any member from outside Asia. क्वेश्चन है which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. अब ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कि हिंदू में इसके बारे में न्यूज़ आई होगी और न्यूज़ आपके सामने है. Hitting its stride on the Asian Infrastructure Investment Bank. अब इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जो हिंदी में आ चुका है. सो हेडक्वार्टर इन बीजिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इज अ डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बूस्ट
leading projects in the sectors like energy, transportation, urban construction, logistics, education and healthcare. AIIB presently has 97 approved members worldwide. मतलब कि इसका presence worldwide है. The bank has invested 13 member regions. It has members from outside Asia, Egypt, Azerbaijan, Asia and Europe. तो ये बातें यहाँ पर clear हो जाती है. So let us go back to the question and see. तीसरा statement ये कहता है that AIIB does not have any member nations from outside Asia. और अभी हमने पढ़ा कि उसके मेंबर नेशंस वर्ल्ड वाइड है. इसका मतलब थर्ड सेगमेंट इज रॉन्ग. तो अगर ऑप्शन में से हम थर्ड सेगमेंट को हटा देते हैं तो यहाँ पर बी सी डी कट हो जाता है और हमारा आंसर सीधे उभर के आता है ऑप्शन ए. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे द हिंदू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जामिनेशन एज फार एज द करंट अफेयर सेक्शन इज कंसर्न. जैसे ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है वैसे ही हिंदू मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. अब वो कैसे होता है उसके लिए हम फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे. तो यूपीएससी मेंस 2019 का ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच वॉज एस्टैब्लिश फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउडेज इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी. तो यहाँ पर कैट के बारे में कमेंट किया गया है दैट कैट इज गोइंग टू एक्सरसाइज इट्स पावर एज द इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी. तो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. अब यही न्यूज हिंदू में भी कवर हो गई थी. एज यू कैन सी हियर द कैट कैन एक्सरसाइज सेम पावर्स एज द हाई कोर्ट. अब इसको थोड़ा सा डीप में हम पढ़ते हैं. सो द दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दैट इज कैट which adjudicates service matters can exercise the same jurisdiction and powers as a high court in respect of its contempt proceedings. तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है. A bench of Justice Manmohan and Justice Sangeeta Dhingra Sehgal noted that Supreme Court in its 2001 judgment has held that Section 17 of the Administrative Tribunals Act of 1985 confers jurisdiction on the CAT to punish for its contempt. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2001 की जजमेंट का रेफरेंस लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से जजमेंट दिया कि कैट के पास पावर है अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का. तो यही चीज वहां पर न्यूज में थी और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन भी आया था. अब इस क्वेश्चन का आंसर का जो कंटेंट है वो कहाँ से बनेगा. जाहिर सी बात है इस न्यूज से बनेगा. तो अगर किसी ने इस न्यूज को अच्छे से पढ़ा है तो उसे इस इशू के बारे में काफी बढ़िया नॉलेज होगा, स्ट्रांग होल्ड होगी, स्ट्रांग पकड़ होगी. और अगर आपको इसके ऊपर स्ट्रांग पकड़ है तभी आप मेंस के अंदर इसका आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. तो इस तरह से मेंस के लिए हिंदू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे चल के अब बात करते हैं कि आप हिंदू को इफेक्टिवली कैसे पढ़ें. तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हिंदू के अंदर 100% इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है पूरी की पूरी हमारे काम की नहीं है, हमें उसको यूज नहीं करना है. तो इफिशियंटली इफेक्टिवली पढ़ने के लिए वी शुड बी क्वाइट वाइज इनफ. हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पिक करना है और क्या नहीं. तो ये कैसे करें. सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिंदू के अंदर क्या स्किप करें, व्हाट टू स्किप. तो पहला पॉइंट है रीजनल पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज लाइक मनसे, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी इन बंगाल. ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है इनके अंदर जो भी ब्लेम गेम चलते रहते हैं इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. नेशनल इंटरनेशनल लेवल ब्लेम गेम्स जिस तरह से रीजनल पार्टीज में होता है वैसे ही नेशनल पार्टीज में होता है, तो वो भी हमें फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूपीएससी फोकस नहीं करेगा. तीसरी चीज है स्पोर्ट्स न्यूज, कंप्लीटली आप इसको स्किप कर सकते हैं. क्राइम केसेस जैसे कि रेप, मर्डर, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट वगैरह, ये चीजें बाकी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकती है लेकिन एज फार एज यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन इज कंसर्न ये बातें हमारे लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है. उसके बाद आता है रीजनल न्यूज दैट बिलोंग्स टू अ डिस्ट्रिक्ट और तहसील. तो इंडिया में ऑलरेडी 550 से भी ऊपर डिस्ट्रिक्ट है. हर डिस्ट्रिक्ट का न्यूज अगर हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए इसके बारे में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है. उसी के साथ साथ कमर्शियल एड्स, स्कैम्स एंड अवार्ड्स ये भी हमें स्किप करने हैं. अब ये सब स्किप करना है तो पढ़ना क्या है. सो व्हाट टू फोकस अपॉन.
फोकस करने लायक पहली चीज है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है? न्यू बिल्स, न्यू एक्ट्स एंड देयर कॉन्ट्रोवर्सीज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड देयर कॉन्ट्रोवर्सीज, न्यू नेशनल लेवल अपॉइंटमेंट्स, कमीशंस एंड देयर इन्फ्लुएंशियल वर्क्स इन द न्यूज। ये बातें हमें फोकस करनी है इन द पॉलिटिकल स्पीयर। सेकेंड चीज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस गिवन बाय RBI, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेगुलेटर्स इन न्यूज जैसे कि SEBI, IRDA, TRAI, RBI, इम्पॉर्टेंट डेटा इन न्यूज जैसे कि CPI, WPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, GDP, GNP, Forex और इन्फ्लेशन। और बड़ी न्यूज, बिग न्यूज के बारे में, जैसे कि बैंक मर्जर्स हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बातें हमें फोकस करनी है। उसी के साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि जनधन योजना, श्रम रोजगार योजना, उज्ज्वला योजना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसके बारे में प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सो दैट वी कैन फोकस। देन वी कैन फोकस अपॉन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, जैसे कि USA के बारे में क्या चल रहा है, रशिया के बारे में, ईरान के बारे में, इराक, चाइना, सीरिया के बारे में, बिकॉज ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो हमेशा न्यूज में होती है और इनके बारे में ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव टू फोकस ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB या BRICS। इंटरनेशनल ग्रुप्स और यूनियंस के बारे में जो न्यूज आती है वो भी हमें फोकस करनी होती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, सार्क, एशियान, G20, G7, CPEC के बारे में या फिर RCEP के बारे में। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स ऑन द ग्लोबल पैरामीटर्स। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक हैं बिकॉज इनके ऊपर प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। अब इसी के साथ साथ वी कैन फोकस ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि टाइगर हो सकता है, वेटलैंड्स के बारे में, रिवर्स, क्रीक्स, ग्लेशियर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स जिन्हें वेटलैंड कहते हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में कोई न्यूज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ आ रहा है, न्यू कंजर्वेशन एफर्ट्स जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है रिगार्डिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम्स के बारे में कुछ हो रहा है एंड रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस रिगार्डिंग एनवायरमेंट। तो ये बातें फोकस करने लायक है, इसे पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है और नोट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ साइंस एंड टेक विच वी कैनॉट मिस आउट। तो साइंस एंड टेक में हमें क्या पढ़ना होता है? डिफेंस के रिलेटेड कोई न्यूज़ है जैसे कि नई मिसाइल्स हैं, नई शिप लॉन्च हुई है, सबमरीन्स आने वाली है या जेट्स है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जैसे कि फ्यूल्स कहाँ से आने वाले हैं, कौन देने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, रिएक्टर्स कहाँ से आने वाले होते हैं, स्पेस रिलेटेड इसरो के बारे में, नासा के बारे में, न्यू रिसर्चेस के बारे में, एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, स्टडी इंस्टॉलेशंस एंड देयर लोकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और हेल्थ साइंस के बारे में भी पढ़ना होता है। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट एरियाज जहां पर हमें फोकस करना होता है, ठीक है। एंड लास्टली ऑलवेज रिमेंबर फॉर UPSC, वॉट नॉट टू स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन वॉट टू स्टडी। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है बिकॉज UPSC एक समंदर की तरह है। So, this was the video regarding important key takeaways from Hindu newspaper. अगले वीडियो में हम बात करेंगे how to read the editorials. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू महाराष्ट्र एस अकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एंड विल टॉक अबाउट पार्ट सेकंड, दैट इज एडिटोरियल्स। सो थैंक यू सो मच।